नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से अपने परिवार में सबका स्वागत है। चलिए हम लोग फटाफट लाइव होते हैं और अपने M2 पेपर के प्रैक्टिकल को बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं। एकदम हम लोग लास्ट पहुंच चुके हैं। आज हमारी जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें आज मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन के नाम बताऊंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, कोडिंग कैसे करना है, सारे एग्जाम्पल आपको मैं देने वाला हूँ। और फटाफट आप लोग जल्दी से अपने मित्रों को शेयर करिए और लाइव आइए, मजा आ जाएगा आज के प्रैक्टिकल की क्लास में। स्क्रीन रुकिए, स्क्रीन बैठ क्या हुआ, स्क्रीन हमारे क्लासियम कुल होते हैं, हमारे लिए पंडित फोन करे कैसे पढ़ा होता। चलिए भाई आगे कंटिन्यू क्लास को करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम बताने वाले थे कि हमारे M2 R5 पेपर में प्रैक्टिकल के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसी पर बात करते हैं। M2 R5 पेपर में जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, HTML में टेबल क्रिएशन, लिस्ट क्रिएशन, ओके, हेडिंग, पैराग्राफ, ऐसे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो आज हम लोग बच्चों सबसे पहले HTML को एकदम बिल्कुल रिवाइज क्लास पे चलते हैं, एकदम रिवीजन क्लास में चलते हैं, ये मान के कि HTML का जो प्रोग्राम बनता है, जो कोडिंग हम लोग करते हैं कैसे करते हैं, स्टार्टिंग से चलेंगे, ठीक है ना। चलो भाई देखते हैं, शुरू करते हैं फटाफट। आइए भाई लाइव और लोग आइए। तो सबसे पहले HTML में टेबल क्रिएशन की बात करूंगा, टेबल कैसे बनती है, इसका आउटपुट आपको कैसे मिलता है, किस तरह से रो कॉलम ऐड होते हैं, आइए देखते हैं ध्यान से। ओके, इसे काम करना है। चलिए कोडिंग के माध्यम से सारी चीजों को देखते हैं। HTML प्रोग्राम का नाम है हाउ कैन क्रिएट टेबल इन HTML। टाइटल, एग्जाम्पल ऑफ टेबल टैग, ओके, कैसा एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, टेबल टैग का एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ टेबल टैग। टाइटल क्लोज, ठीक है, बॉडी टैग ओपन, एक हेडिंग दे दिया हमने,
माई फर्स्ट प्रोग्राम, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन HTML. HTML, my first program in HTML of table. Of table. ठीक है, कमेंट बंद कर रहे हैं, चलिए हेडिंग के बाद टेबल टैग को ओपन करते हैं. टेबल टैग को ओपन करते हैं, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू वन. हमने टेबल बॉर्डर को क्या किया, टेबल बॉर्डर हमने डिफाइन कर दिया. अब क्या करेंगे, TR टैग ओपन करेंगे भाई. चलिए TR ओपन हुआ, TH ओपन हुआ. TH में हमने क्या दे दिया भाई, SR नंबर यानी सीरियल नंबर. TH क्लोज. आज हम लोग प्रोग्राम सीख रहे हैं HTML में टेबल कैसे बनाते हैं और टेबल में कैसे डाटा एंट्री करते हैं. आई बात समझ में? चलिए ठीक है, TH आपका क्लोज हो गया. फिर हमने TH ओपन कर लिया. सीरियल नंबर के बाद स्टूडेंट नेम, TH क्लोज. फिर TH ओपन, डेट ऑफ बर्थ, TH बंद. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भाई. फिर TH आपका बंद हो गया. फिर हमने यहाँ पे TH ओपन कर लिया. DOB के बाद हमने लिखा कोर्स नेम, कोर्स नेम. फिर TH को हमने बंद कर दिया. चलिए TR बंद हो गया.
टीआर हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने टीआर ओपन किया, टीडी ओपन किया, सीरियल नंबर वन, चलिए टीडी ओपन करने के बाद सेल नंबर वन हो गया, टीडी क्लोज हो गया। भाई आराम से पढ़ो, तुम लोग प्यार मोहब्बत में ना पढ़िए, ठीक है? बड़ा कोडिंग बढ़िया करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, नहीं 8 तारीख को फिर प्यार मोहब्बत की बात नहीं होगी। फिर हमने यहाँ पे टीडी टैग ओपन कर लिया, टीडी ओपन हुआ। अब इसके बाद स्टूडेंट का नाम हमने लिखा राम प्यारे, ठीक है? टीडी बंद हो गया, फिर टीडी ओपन, क्या चाहते हैं आप लोग, कल से क्लास ना पढ़ाए हम? टीडी बंद हो गया, डीओबी में आप रख देते हैं। सबको भाई गुड इवनिंग, खाली समय में बैठ के आप लोगों को बहुत बात आ रही है, ठीक है? चलिए डीओबी में रखते हैं। किसी का मान लो डेट ऑफ बर्थ है 14 अगस्त 1993, ओके। टीडी बंद हो गया, फिर हमने यहां पे टीडी ओपन कर लिया, कोर्स नेम डिफाइन कर देते हैं, फिर यहां पे आते हैं। टीडी ओपन करने के बाद डिफाइन करते हैं कोर्स का नाम ओलेबल, फिर आपका टीआर बंद हो गया, फिर आपका टेबल टैग बंद हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया और एचटीएमएल बंद हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने सभी प्रोग्राम को रन कराएंगे। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। कैसे सेव करेंगे, फाइल में जाके और इसे आप सेव करेंगे, ठीक है? चलिए सेव करने का तरीका, सेव में जाएंगे, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेंगे, फाइल का नाम दे देंगे, as.html, जा रहा है।
चलिए सेव करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, रन कराएंगे। अभय नाम से फाइल है, अभय नाम की फाइल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट ओपन को चलिए फाइल को फिर से सेव करेंगे। चलिए देखते हैं क्या मिला आउटपुट। देख सकते हैं आप लोग आउटपुट क्या मिला आप लोगों को। चलिए बात समझ में आई ना। इस तरीके से टेबल का आउटपुट हमने देख लिया। अब इसी में जो भी आपको एंट्री करना हो बार बार आप एंट्री को बढ़ा सकते हैं। जितना भी डेटा आपको ऐड करना हो ऐसे टेबल को आप बना सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलो समझ गए ना इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को डिफाइन करते हैं। और टेबल के बाद एंट्री बढ़ाना होगा तो आप क्या करेंगे, बार बार टीआर ओपन करते जाएंगे और टीडी में डेटा को डिफाइन करते जाएंगे। जैसे एक एंट्री बढ़ाना है तो कैसे करेंगे देखते हैं। और एंट्री बढ़ाना है तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे भाई, अभी टेबल को बंद नहीं करेंगे। फिर से हमने एंटर कर दिया, टीआर हमने ओपन कर लिया, टीडी ओपन किया, सीरियल नंबर 2, टीडी बंद, टीडी ओपन, किसी का नाम है सुमित कुमार, फिर हमने टीडी को बंद कर दिया, ठीक है। फिर हमने टीडी ओपन किया,
डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल, नाइनटीन नाइनटी सिक्स टीडी बंद हुआ, टीडी ओपन हुआ, कोर्स का नाम रखते हैं ट्रिपल सी। टीडी बंद हुआ, टीआर बंद हुआ, फाइल को सेव कर लीजिए, प्रोग्राम को रन करा दीजिए। चलिए एक एंट्री हमने और बढ़ा दिया, इस तरह से एक एंट्री हमने यहां पे और बढ़ा दिया। ऐसे ही आप लोग कई सारे एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए बात हमारी समझ में आई, सबको टेबल बनाने का प्रोग्राम क्लियर हो गया ना? इस तरह के प्रोग्राम को आप लोग आराम से देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बोलो भाई, चलो लिख लो भाई फटाफट। फटाफट लिखो जल्दी से। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, लिस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लिस्ट की बात करते हैं। ये प्रोग्राम सबका क्लियर हो गया ना? ठीक है, पाइथन की क्लास करो और बाकी जिनके पास टाइम है वो बिफ्ट की क्लास करें। चल इसको हटाते हैं और आते हैं दूसरे कोड में। HTML में लिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे लिस्ट को डिफाइन करेंगे? लिस्ट की कोडिंग कैसे होगी देखते हैं। HTML टाइटल एग्जाम्पल ऑफ लिस्ट टैग, लिस्ट टैग। एक हेडिंग दे देते हैं, माय फर्स्ट प्रोग्राम या माय फर्स्ट कोडिंग इन HTML, माई फर्स्ट कोडिंग इन ऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट। H1 को हमने क्लोज कर दिया, बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग ओपन करने के बाद तुरंत यहां पे स्टार्ट करते हैं ओएल टैग ऑर्डर लिस्ट के लिए LI HTML। LI क्लोज, फिर LI हमने लिखा, CSS LI क्लोज हुआ। चलिए CSS के बाद ये हुआ, फिर से हमने LI ओपन कर लिया, JavaScript OL को बंद कर दिया, HTML क्लोज। चलिए सेव करते हैं प्रोग्राम को, चलिए देखते हैं लिस्ट का प्रोग्राम देखते हैं भाई। देख सकते हैं हमारा पहला प्रोग्राम ऑर्डर लिस्ट का इस तरीके से बना, जिसमें आपका HTML, CSS और JavaScript तीनों अलग अलग लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से ध्यान से देखो। हो गया, चलिए हो गया, कोडिंग देख लीजिए इसके। अब यहीं पे आप टाइप कर देंगे ओएल टाइप इक्वल टू
सर्कल। ऑयल का टाइप हमने क्या रख दिया, सर्कल रख दिया। कंट्रोल यस, रन प्रोग्राम। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, ओवल टाइप में आपका सर्कल आ गया भाई, टाइप में क्या आ गया, सर्कल आ गया। चलिए, हो गया। तो इस तरीके से ओएल का टाइप हमने देख लिया, ऐसे हम यूएल का टाइप भी देख सकते हैं। तो आराम से आप लोग लिस्ट बना लोगे एचटीएमएल में ना। पैराग्राफ में अलाइनमेंट से संबंधित बात होती है, कैसे डिफाइन करोगे। आइए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अलाइनमेंट,
ठीक है, बॉडी टैग ओपन करो। पैराग्राफ का अलाइन हम डिफाइन करते हैं। पी अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट P align is equal to left, कुछ हमने मैटर टाइप कर दिया। अलाइनमेंट में जो चीज भी डिफाइन करना है उसे आप बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। लास्ट सेमेस्टर तक क्लोज करके एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं, रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है भाई। चलिए सही है, लेफ्ट अलाइनमेंट राइट अलाइनमेंट इस तरीके से अगर आपको अलाइनमेंट चेंज करना है बच्चों तो ऐसे आप पैराग्राफ में अलाइनमेंट को भी बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अलाइनमेंट को भी आप चेंज कर सकते हैं। सेंटर पर रखना चाहते हैं सेंटर पे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक बदलाव खाली करना है, बस क्या बदलाव करना है कि अभी आप बॉडी टैग नहीं बंद करेंगे और यहीं पर एक चीज और दे देंगे, पी अलाइन सेंटर। पी अलाइन क्या हो गया, सेंटर हो गया।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं रिफ्रेश करके। कुछ चीजें आपको बीच में भी दिख गया। चेक कर सकते हैं आप लोग, ये हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट में पैराग्राफ दिखा, ये सेंटर में दिखा, ये आपका राइट में दिखा। समझ गए ना? अगर अलाइनमेंट की बात करें तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ एक लाइन और आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सेंटर के बाद पी अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई जस्टिफाई ठीक है। कंट्रोल यस, सेव कर लिया, मिनिमाइज करा के जस्टिफाई भी कर दिया। चारों प्रकार के अलाइनमेंट आपके सामने इस तरीके से मैंने दिखाया है, देख सकते हैं आप लोग। यदि किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं, अगर नहीं समस्या है तो फिर हम लोग आगे चलें। बोलो भाई, ऐसे बहुत आसान है इमेज लगाना, ऐसे बहुत आसान है, आप लोग इमेज भी लगा सकते हैं। IMG SRC इज इक्वल टू IMG SRC इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर। अब यहां पे इमेज हम देखते हैं कहीं है कि नहीं। इमेज हमको कहीं नहीं दिख रही है। इसमें कोई इमेज नहीं है। ठीक है, इसमें कहीं इमेज नहीं है। इमेज लगाने के लिए बस यहाँ पे आप पाथ डिफाइन कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपके पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एक बार देख ही लेते हैं।
पिक्चर नहीं है इसमें। पिक्चर आप लोग लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। चलिए पिक्चर लगाने के लिए बाबू उसमें पिक्चर नहीं है भाई। चलिए कोई बात नहीं, पिक्चर पे हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ पे SRC लगा के पूरा पार्ट लोकेशन कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। पिक्चर आपको इससे उसमें हो गया, ठीक है, लैपटॉप में सिस्टम में, तो पिक्चर आप कॉपी कर लीजिएगा यहाँ पे लोकेशन और बस इंसर्ट कर दीजिएगा, पिक्चर आपकी आ जाएगी, ठीक है। समझ गए हमारी बात। तो बच्चों इस टाइप के बहुत सारे प्रोग्राम बनेंगे, चाहे आपका हेडिंग से लेके संबंधित प्रोग्राम हो, चाहे पैराग्राफ से हो, इमेज हो गया, टेबल हो गया, लिस्ट हो गया, ऐसे टाइप के प्रोग्राम को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगा। कल के क्लास लास्ट में आप लोगों को CSS से संबंधित कुछ प्रोग्राम बताऊंगा, कुछ JS से संबंधित और बताऊंगा। बाकी आप लोग का संडे खूब रिवीजन करिए, मंडे से आप लोग अपने प्रैक्टिकल के लिए एकदम रेडी हो जाइए और अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए, ठीक है। कल अभी मैं आप लोगों को 2-3 कोडिंग और अच्छे से करके दिखाऊंगा, आप लोग समय से अपना देखिएगा, ठीक है। और घर पे जितना हो सके बच्चों उतना मेहनत करिए, उतना जबरदस्त तैयारी करिए प्रैक्टिकल को लेके, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई है, बस 2 दिन का टाइम और बचा हुआ है, उसके बाद फिर आप लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी के बाद तुरंत पेपर को आप देंगे, और पेपर जैसे तैयार रहेगा उस हिसाब से आप क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग आराम से पढ़ाई करिए। मैंने आपको आज बेसिक से एडवांस तक बहुत सारी चीजों को बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रोग्राम को पढ़े हैं, बस जितने प्रोग्राम को आपने पढ़ा है उस प्रोग्राम को बस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कि एग्जाम में आप लोग आता हुआ क्वेश्चन भी गलत ना करें और अच्छे से कोडिंग करें, एकदम बिल्कुल धैर्य के साथ करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कूल माइंड से एकदम बढ़िया सा प्रोग्राम को बनाएं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं अपने समय से। सबको भाई टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।